नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारत में इस वक्त आईपीएल 2022 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच 59वां मुकाबला खेला गया। सभी को उम्मीद थी कि ये मुकाबला 33वें मुकाबले की तरह रोमांचक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स 97 रनों पर ऑल आउट हो गई और मुंबई ने यह मुकाबला आसानी से 5 विकेट के साथ अपने नाम किया। चेन्नई की टीम इस वक्त आईपीएल 2022 की प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और अब फैंस की उम्मीद भी समाप्त हो गई है अपनी टीम चेन्नई को प्लेऑफ में जाता देखने की। थाला एमएस धोनी, जिनको 8वें मुकाबले के बाद कप्तानी दी गई थी, अब उनकी कप्तानी में भी टीम जो है नहीं पहुंच पाई है प्लेऑफ में। इस वक्त फैंस का रिएक्शन थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं चेन्नई नहीं है प्लेऑफ में तो मज़ा नहीं है प्लेऑफ का। तो चलिए उन्हीं फैंस से जानते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है अपनी टीम को आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचता ना देखने पर। फिलहाल हमारी टीम के साथ ही एक साथी एम्प्लॉई, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका रिएक्शन क्या है चेन्नई जब बाहर हो गई है। तो मेरे साथ कुलदीप जी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कुलदीप जी। और चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई है प्लेऑफ में, आपकी भी फेवरेट टीम बताई गई है चेन्नई सुपर किंग्स, तो आपका रिएक्शन क्या है? चेन्नई इस वक्त प्लेऑफ नहीं खेलेगी। देखिए, बहुत हार्ड ब्रेकिंग है, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी कि इस बार कुछ और अच्छा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा सीज़न चेन्नई के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पहले ही कैप्टन चेंज किया गया, लेकिन वो कैप्टन जडेजा इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर उन्हें चोट भी लग गई, वो आईपीएल से बाहर हो गए। धोनी आए, धोनी के का भी इतना अच्छा, कल के मैच में तो उन्होंने अच्छा खेला, सबसे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए, अपनी टीम को आगे लेकर के आए, लेकिन नहीं हो पाया। तो और लेकिन हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले सीज़न में चेन्नई सुपर किंग फिर से किंग होगी और धोनी कप्तान रहेंगे। तो चलिए, इनका मानना यह है कि अगले सीज़न का इंतज़ार रहेगा, अगले सीज़न में चेन्नई फिर से पलटवार करेगी, जैसे 2020 में किया था। आपको बता दूं कि 2020 में भी चेन्नई प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी और नेक्स्ट सीज़न चेन्नई विजेता रही थी। थोड़े और रिएक्शन जानते हैं, थोड़े और फैन से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही है चेन्नई को प्लेऑफ में जाता ना देखने पर। अब वीडियो एडिटिंग की टीम की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी चेन्नई के जो है फैंस इस वक्त हमारे इंतज़ार कर रहे हैं और जानते हैं उनसे कि क्या रिएक्शंस हैं टीम के बाहर होने पर। तो फिलहाल मेरे साथ जो है सोनू जी हैं और उनसे जानते हैं कि चेन्नई जब हारी तो उन्हें कैसा लगा है। बहुत बुरा लगा है भाई, अब की बार की सीएसके मेरी फेवरेट टीम है जो कि हार गई, लेकिन धोनी ने बहुत अच्छा खेला, जो 36 रन बनाए 33 बॉलों का सामना किया, और भाई अगली बार पूरे जोश से आएगी टीम, फिर से जीतेगी। तो चलिए एक और फैन से जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है चेन्नई के बाहर होने पर, क्योंकि ये टीम नहीं इमोशन है, तो इमोशन कैसे जाहिर होते हैं ये जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो है आकाश जी हैं, आकाश जी से भी जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है चेन्नई के बाहर होने पर। वेल, थोड़ा सा दुख तो हो ही रहा है, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन देखिए हार जीत गेम में लगी रहती है। अब अगर हम दो पिछले सीजन्स की बात करें, 2020 में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा चेन्नई सुपर किंग्स का, मतलब पिछली बार की तरह ही, जिस तरह इस बार जिस तरह परफॉर्मेंस रहा, लेकिन उसके बाद फिर 2021 में बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया है पूरी टीम ने, और जिस तरीके से कप जो है जीता था, तो हो सकता है कि देखिए कभी कभी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इस साल भी ये हुआ कि भाई थोड़े से चेंजेस किए, यहाँ पर नया एक कप्तान आया रविंद्र जडेजा के रूप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जड्डू वो माल नहीं दिखा पाए जो कि हम लोग सोच रहे थे, कि जिस तरीके से धोनी मैजिक जो हम देख रहे थे, तो शायद आने वाले नेक्स्ट सीजन में हमें देखने को मिले कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ एक बार फिर हमें नजर आएगी। तो ये उम्मीद आपने देखी है कि किस तरह से चेन्नई के फैंस चाहते हैं कि नेक्स्ट सीजन जो है चेन्नई फिर से लौटे, वापस कमबैक करे, और उम्मीद यही करेंगे कि ये सीज़न तो थाला एमएस धोनी का आखिरी सीज़न ना हो, एमएस धोनी आगे भी जो है चेन्नई के लिए खेलते रहें और इसी तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहें जैसे वो पिछले 15 सीजन्स में देते आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अपने राय, अपने जो भी आपके मन में चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे दोनों ही चैनल वन इंडिया हिंदी स्पोर्ट्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। उम्मीदें हैं कि अगले सीज़न फिर से जीतेगी टीम, और इस बार जो है
थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर ही जो है चेन्नई सुपर किंग्स का नेक्स्ट सीज़न कायम है।